इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर, आपको एक एक्सचेंज प्रोग्राम में वो भेजते हैं फॉर सेमेस्टर. ऑल्सो आई गॉट सम स्कॉलरशिप्स, जो हम Awesome. सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक फैंटेसी और ड्रीम भी होता है कि स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप नो. सो कल मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, तो उसका वीडियो ये रिवर साइड पे ही किया, तो उसका वीडियो इसमें ऑप्शन था कि रिकॉर्ड ओनली ऑडियो ऑप्शन, तो मैं रिकॉर्ड ओनली ऑडियो पे सेट था, मेरे को पता ही नहीं चला, और सारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद पता चला कि वीडियो नहीं आई, तो फिर एटलीस्ट मेरे पास बैकअप था तो मैं बच गया. सही है. हाँ, लेकिन वो बहुत गंदी चीज़ है, इसके लिए हम बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल टुडे. या ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है. ठीक है, शुड बी ऑल सिंक नाउ. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज के पॉडकास्ट में धैवत, इज दैट करेक्ट? यस धैवत, वेलकम वेलकम टू द शो. धैवत, हाउ आर यू? थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी. आई एम रियली ग्रेट, एंड रियली ग्रेट टू बी ऑन योर चैनल, ऑन योर पॉडकास्ट. ऑलवेज वेलकम. आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आपका एक्सपीरियंस, जैसा कि आप बताया कि पहले US गए थे, फिर कनाडा, एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया. कैसा एक्सपीरियंस था? व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया? एंड देन लेट्स हियर योर स्टोरी. यस, सो फॉर द न्यू यूजर्स, बिकॉज आई एम धैवत गनात्रा, आई एम इन पर्थ. मैं अभी पर्थ में हूँ. कर्टिन यूनिवर्सिटी से जस्ट मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया है, और यहाँ मैंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, मींस बिजनेस और IT, दोनों मास्टर्स कंप्लीट किया है. और क्यों कर्टन? बिकॉज इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट टॉप 1% बिजनेस इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, जो भी मैंने कोर्स किया है. सो देर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज दैट कर्टन इज प्रोवाइडिंग मी. ऑल्सो आई गॉट सम स्कॉलरशिप्स, जो Awesome. सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक फैंटेसी और ड्रीम भी होता है कि स्कॉलरशिप नो. सो या, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017, जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था. बिकॉज मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंडिया से किया हुआ है. सो आई कम फ्रॉम गुजरात, भावनगर करके एक सिटी है. शार्क टैंक के वजह से वो भावनगर अभी बहुत फेमस हो अच्छा. रखा है. सो हाँ, तो मैं भी वहां से ही आता हूँ. तो मेरा ऐसा ही था कि आई यूज टू वॉच सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन द यूट्यूब. सो अभी गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ऑप्शन है, देन इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर, आपको एक एक्सचेंज प्रोग्राम में वो बेचते फॉर सेमेस्टर, बट यू नीड टू क्वालिफाई इन इन द टॉप स्टूडेंट्स इन गुजरात, बिकॉज GTU इज सो बिग. वो तो बहुत तो बहुत मुश्किल होगा गुजरात में. There's हाँ, some really good talent in Gujarat. उसमें टॉप आना इट्स अ एंड चैलेंज. GTU हैज ऑलमोस्ट 30 or 40+ यूनिवर्सिटी लाइक कॉलेजेस. सो उसमें कंप्यूटर और IT ब्रांच में top 10 में आना, विच इज ह्यूज थिंग. उसका भी एक अलग से मेरिट निकलता है, IIT वाला वाइब्स ही होता है वहां पे भी. अच्छा. तो बट एनी हाउ आई टुक द पार्ट. वो इन माय फील्ड इट्स कैनेडा, बिकॉज आई एम प्राइमरी वॉचिंग द US वीडियोज एंड स्टफ. सो मेरा पहले से ही गोल था कि आई वांट टू गो टू अब्रॉड. बट द थिंग इज कि आई गॉट अ चांस टू गो इन कैनेडा. सो मैं 6 months के लिए कैनेडा में गया. एट दैट टाइम आई ओपन माई यूट्यूब चैनल एज वेल. सो वहां पे जाके पूरा एक सेमेस्टर स्टडी किया, और कनाडा पूरा एक्सप्लोर भी किया. जो आई थिंक मैं 7 states में घुमा हूँ कनाडा में विद इन 6 months. Awesome. और सभी के वीडियोस भी है आज तक वो मेरी चैनल पे. और वहाँ के एक प्रोफेसर है जो 1999 से स्टडी कर रहे हैं, हु इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल. वो बहुत ही अच्छा, हमने उनके साथ इंटरव्यू सीरीज प्लान की थी इन हिंदी, बिकॉज ही नोज हिंदी, एंड ही इज बेसिकली फ्रॉम IIT बॉम्बे, एंड ही इज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस द रोबोटिक्स इन द इंडिया. अमेजिंग. सो हमने उनके साथ एक हिंदी में पॉडकास्ट
सेवन सीजन का शूट किया था, आज भी है, कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मैनी पीपल थिंक्स अब्रॉड मीन्स लाइफ सेट, विच इज नॉट दैट. सो आई एम ट्रूली सपोर्टर, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है. बिल्कुल लाइफ सेट आई अंडरस्टैंड, बट देर आर सम अदर एस्पेक्ट एज वेल जिन जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज अब्रॉड आना सबको अच्छा लगता है, बट यू नीड टू गिव अ लॉट टू द आई थिंक ये एक फॉल्स रियलिटी बन गई है, मे बी एग्जैक्टली. बिकॉज ऑफ मूवीज या व्लॉग्स में भी, क्योंकि व्लॉग्स जब चलते हैं ना, इसमें एक अच्छी चीज़ें दिखाओ तभी लोगों को पसंद आता है। जैसा अगर उसमें एग्जैक्टली. थोड़ी रियलिटी की बात करने लग जाओ, थोड़ा हार्श ट्रूथ की बात करने लग जाओ, वो बोलेंगे कि ये तो बंदा नेगेटिव है या डिस्करेज कर रहा है, या इसको फिर एग्जैक्टली. ये क्यों है, फिर तू भी आ जा इंडिया, आ जा वापस, मतलब तू क्या कर रहा है उधर, ऐसा थोड़ा वो माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। इसके लिए मैं भी क्या करता हूँ कभी कभी, टाइम टू टाइम, मतलब मैं जो भी रियलिटी है वो थोड़ी लाने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि पॉडकास्ट के थ्रू या फिर कोई भी फाइनेंशियल टिप्स वगैरह दे के, कुछ भी अपनी तरफ से, कि भाई एकदम डिल्यूजन में भी नहीं रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि बाहर आने के बाद रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली. और अब्रॉड आने के लिए ये पता आना चाहिए कि क्लियरली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन अपकमिंग 10 और 20 इयर्स. मतलब ऐसे नहीं कि एक दोस्त जा रहा है, ओह इज द लाइफ इज वेरी कूल, लेट्स गो. सो नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं होगा, आई गारंटी, क्योंकि इंडिया में भी नहीं हो रहा था और यहाँ पे भी नहीं होगा. बट यू नीड टू क्लियर योर वे एटलीस्ट, कि आपको क्या करना है यहाँ पे आके एटलीस्ट. अच्छा, तो ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ रीज़न कि कोई एक बंदा अब्रॉड आना कंसिडर करे? क्योंकि अगर सिर्फ पैसा नहीं है, देखो पैसा अगर आप डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करके, हाँ इफ़ यू वो आर गेटिंग सेम है. हैप्पी, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी वैसे है, यहाँ घर खरीदना कितना महंगा है, देन उसके हिसाब से ऐसे कौन से रीजंस होने चाहिए कि एक 10-20 साल का अगर कोई प्लान लेके आ रहा है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में कोई और कंट्री में गुजार रहा हूँ, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स वो डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करने चाहिए आपके हिसाब से? एग्जैक्टली. सो बिफोर आप यहाँ पे आने के पहले, द वन थिंग विच इज मस्ट इज रिसर्च, हार्डकोर रिसर्च. मतलब अभी इट्स वेरी इजी बिकॉज यू हैव यूट्यूब व्लॉग्स, यू हैव इंस्टाग्राम, यू हैव एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विद द पीपल. पहले इवन द 5 इयर्स बैक ऐसा नहीं था, बिल्कुल इतना तो नहीं था. आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज मैं 2017 से यूट्यूब पे यूएस के व्लॉग्स फॉलो कर रहा हूँ. सो आई नो देर आर ओनली 3 व्लॉगर्स हु इज वेरी फेमस, एंड इवन इन लाइक कैनेडा ऑल्सो, ऑन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. अभी जो ऑस्ट्रेलिया में लोग फेमस हो रहे हैं, वरना जब मेरे को आना था ऑस्ट्रेलिया में, देर वर नो सच पीपल. देर आर हार्डली 2 to 3 पीपल्स जिसके व्लॉग्स मेरे को रिकमेंडेशन में आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड यू नो बिकॉज दे आर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड यू ऑल्सो. अरे थैंक यू भाई। मैं जब सोचा था ना क्वींसलैंड में, जब मैं आया था तो एक था कि ब्रिस्बेन में कोई नहीं था, जब मतलब थे होंगे, मतलब उतने स्केल पे नहीं थे, छोटे छोटे क्रिएटर थे। आई थिंक राहुल महात्रे वॉज अनदर वन। एनएसजे इज द नहीं, मैं क्वींसलैंड के हिसाब से, एनएसजे क्वींसलैंड. वॉज नॉट इन क्वींसलैंड। तो मेरे को ऐसा लगा ओह एट दैट कि टाइम यस ब्रिस्बेन के, मतलब मैं ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड का जो पार्ट है, क्योंकि तो मेजोरिटी यस लोगों का दो ही दिखता कि सिडनी चले जाओ या मेलबर्न चले जाओ, या फिर रीजनल अगर कंसिडर करते हैं तो फिर एकदम रीजनल तस्मेनिया वगैरह। तो मेरा था एग्जैक्टली कि ब्रिस्बेन या क्वींसलैंड ऐसा एरिया जो थोड़ा एक्सप्लोर नहीं था, और एक्सप्लोर मेरे को नहीं लगा कि है. मैं इधर का दिखाना चालू करूंगा, एंड देन ऑब्वियसली इट बिकेम अ लॉट मोर पॉपुलर नाउ। गोल्ड कोस्ट भी इतना यस पॉपुलर हो गया है अभी। एग्जैक्टली. और राहुल भाई के मैंने भी बहुत सारे व्लॉग्स देखे, और पर्सनली मैं उनको जानता भी हूँ, क्योंकि लाइक यू नो दैट. और हमारे सब बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, बिकॉज मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया था, मैंने 6 महीने ब्रिस्बेन में, वो अलग ही स्टोरी है जो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो तो मतलब किसी और इंटरनेशनल के स्टूडेंट के साथ अभी नहीं होगी जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ है, और ना तो मेरे साथ सब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वो फेज में आए हैं, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट आफ्टर द कोविड. फॉर जो फर्स्ट बैच होती है ना, आई पे 2.5 लाख रुपीज फॉर वन वे फ्लाइट टिकट फ्रॉम इंडिया. अच्छा हाँ, ओके, कोविड के बीच में। हाँ जी, जब भी ओ ऑस्ट्रेलिया को मैंने 22 जनवरी 2022 में जब बॉर्डर्स ओपन हुए थे, तो
तो आई वॉज देयर, मतलब दिसंबर में जब भी, क्योंकि मेरा वीजा जनवरी में आ चुका था ऑन 2020, और बिकॉज ऑफ कोविड ऑस्ट्रेलिया जस्ट अनाउंस टू शट देयर बॉर्डर्स, सो कोई आ नहीं सकता था. मैंने 1 साल घर पे बैठ के ऑनलाइन मास्टर्स किया है, विच इज अ पेन, दैट इट इज इज ड्रास्टिक. मैं तो अगर कोई भी मेरे से पूछ रहे थे ना, मैं उनको क्लियरली बता रहा था कि भाई इनरोल मत करो, क्योंकि यार इतने पैसे दे रहे हैं आपको ऑस्ट्रेलियन का एक्सपीरियंस और यहाँ के रहने के लिए पैसे दे रहे हैं आप, क्योंकि अगर स्टडीज़ ही हैं और स्पेशली आईटी की अगर बात करें, या मतलब एमबीए वगैरह भी इतनी ऑनलाइन हो जाती है इंडिया में, अच्छी पढ़ाई है यार, मिल जाएगा उधर आपको, और टेंथ ऑफ द कॉस्ट में आपका काम हो जाएगा अगर सिर्फ वही लेना है. और मेरे अभी आईटी था इसीलिए आई चूज, बिकॉज आई डोंट वांट गैप, क्योंकि मेरा वो भी बाद में कैलकुलेशन था कि अभी ये बैच में ना तो ज्यादा एनरोलमेंट्स है, तो अभी जब मेरी बैच पीआर तक आएगी देन कंपटीशन विल बी लेसर देन व्हाट इट एक्चुअली शुड बी. सो वो वजह, क्योंकि कप ना तो खुलने तो वाला ही था, कोई भी कंट्री हो इतना तो नहीं खींच सकता जितना नहीं खींच सकता ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल. खींचा है, हाँ, एक टाइम के बाद तो चेंज होता है वो. आई थिंक पीआर का एग्जैक्टली साइकिल है ऑस्ट्रेलिया में, कि आई थिंक हाँ 5 to 10 years के बीच में ऐसा पीरियड आता है जहां पर बहुत ईजी हो जाता है, एंड देन उसके बाद टफ करते जाते हैं वो लोग. एग्जैक्टली. और अभी तो 189 भी ऐसे मतलब चॉकलेट के हिसाब से बांट रहे हैं वो हाँ लोग, लाइक लिटरली वो मेरे फ्रेंड्स को लाइन में आ रहे हैं 189 के इनवाइट्स, जो और जो जो रेडी उसको नहीं थे, पता है. जो जो रेडी थे एग्जैक्टली बंदे, मतलब जिसकी प्रोफाइल्स रेडी थी, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई, जो मतलब जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करके रेडी बैठे थे. लेकिन अगर कुछ ऐसे हमारे है दोस्त, नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कुछ लोग हैं, उनको अगर बताओ कि भाई प्रोफाइल का क्या हो रहा है, वो बोलते हैं 4 साल की टीआर पड़ी है, अभी क्या अपने को टेंशन. अरे भाई, अगर तुम्हारा हो रहा है तो रेडी कर लो ना प्रोफाइल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के बैठो. यू नेवर नो कि कब उनका मन बने और थड़ाधड़ इन्वाइट आ जाए सबको. हाँ एग्जैक्टली. अभी वो चल रहा है तो वो फेज में अप्लाई करके माइंड फ्री हो जाओ, एटलीस्ट यू गॉट योर पीआर इन एनी वे अगर कंफर्म हो गया तो. यही स्टोरी थी कि लाइक रिसर्च इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इफ आई ट्रैक बैक देन मैंने रिसर्च किया कि अगर मेरे को यहाँ पे सेटल होना है, बिकॉज आई एम गुजराती, सो ऑब्वियसली एज अ बाय ब्लड आई वॉन्ट डू बिजनेस. सो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है, अगर आपको आपके पास पीआर है देन यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस इन न्यूजीलैंड एज वेल, ऑस्ट्रेलिया एज वेल. न्यूजीलैंड में भी आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता, और इंडिया तो आपका बैकअप है ही, तो यू कैन एक्सप्लोर थ्री मच मतलब मच अनअवेटेड अनकैप्ड मार्केट, मतलब यूएस कनाडा में बिजनेस एक्सपैंड करना और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड करना इज डिफरेंट थिंग. सो वो अभी भी यूएस कनाडा की मार्केट बहुत सारा कैप्चर कर चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की मार्केट कोई सारे पार्ट्स में अनकैप्ड है, कि अभी अनटच्ड है, लाइक लोगों को पता नहीं है क्या है. इवन इफ यू स्टार्ट सम गुड इंडियन रेस्टोरेंट्स, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स, यू कैन अर्न लाइक $1 million. बिल्कुल. एंड दैट्स ट्रू, ऐसा हुआ है, मेरी केस स्टडी है मेरे पास साथ, ऐसा भी नहीं हवे में, मतलब इट्स अ प्योर रिसर्च एंड यू कैन एक्चुअली डू इट. तो ऐसा ही है कि जब भी आओ यू नो वॉट यू आर गोइंग टू डू, क्योंकि जॉब भी करनी है फिर आगे भी बढ़ना है. एंड ऑस्ट्रेलिया एक मिथ भी था कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म के मिथ है, फिर पीआर का मिथ था जब मैं इंडिया में था. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु इज टेलिंग कि कैनेडा जितना इजी पीआर नहीं है, और देर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर सेइंग इट्स अ रेसिस्ट कंट्री. मुझे ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ है वो तो टू बी वो ऑनेस्ट, सो इट्स अ मिथ. देखो, वो रेसिज्म तो फिर सब्जेक्टिव है कि भाई आप हाँ कहीं भी जाओ, एग्जैक्टली सही सही और गलत लोग आपको कहीं भी मिलेंगे. एग्जैक्टली. सो इट्स अ मिथ जो भी वो यहाँ पे वो देख रहा है, जो भी वो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स सभी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं एंड वो सारा थ्रो एक घर पे आके हमारे पर होता है, ये बोल रहे थे, बट आई थिंक दे आर नॉट इवन क्रॉस देयर बॉर्डर्स, सो दे आर नॉट द लेजिट वन टू टेल व्हाट्स द राइट एंड व्हाट्स द रॉन्ग. तो अपनी रिसर्च अपने एंगल से होनी चाहिए टू यहाँ आने के पहले, आपका क्वेश्चन जो था. और सेकंड थिंग कि एक जिद भी होनी चाहिए, क्योंकि आई नो इट्स नॉट अ इजी जर्नी, लगती बहुत है पर है नहीं, क्योंकि देर आर कल्चरल शॉक्स, सो मेनी थिंग्स व्हेन यू जस्ट कम हियर. इवन इन व्हेन आई गो वेंट इन कैनेडा इट्स द सेम,
मतलब मेरा सब खाना पीना सब फंडेड था, फिर भी इट्स अ ह्यूज ह्यूज कल्चरल शॉक. बिल्कुल एंड बिकॉज ऑफ द कोविड आई जस्ट डिड माई थिंग ऑनलाइन. एंड कैनेडा से अच्छा मेरे को ये यूनिवर्सिटी से ऑफर आया. और द थिंग इज कि मेरे को सिर्फ कोडिंग पे नहीं जाना था, आई वॉन्ट टू गो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट साइड ऑफ द थिंग. तो वो जो कोर्स का कॉम्बिनेशन है, कैनेडा इट्स बिट ऑन रिसर्च राइट नाउ इन द आईटी, और ऑस्ट्रेलिया में फिर भी देर आर सो मेनी ऑफ ऑप्शंस की यू नो यू कैन डू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस एंड आईटी टुगेदर. सो देर आर मुझको वो फ्यूजन वाला कोर्सेस अच्छा लगता है बिकॉज योर स्कोप इज वाइड. अच्छा, तो तो यू आर इसीलिए इन मैंने ऑस्ट्रेलिया बिजनेस चूज किया. एनालिसिस. यस, आई कैन डू इवन बिजनेस एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द साइबर सिक्योरिटी एज वेल, क्योंकि मैंने अपने सारे सेमेस्टर में ही अब एज अ इलेक्टिव चूज किया हुआ है. सो अच्छा, टेक्निकली आई कैन वर्क इन एनी कंपनी लाइक दैट. ओके, इफ आई आई वॉन्ट सी. टू स्टार्ट द करियर आई हैव अरेंज. ओके, हैव यू फाउंड अ सो जॉब येट? इसीलिए आई वुड लाइक दिस. मुझे यस. सो अभी एक्चुअली आई जस्ट डिलीवर्ड द कंपनी आईबीएम. सो फाइनल फेज पे अभी बात हो रही है, फिंगर्स क्रॉस. आई कांट से जॉब ऑल द मिल गई है, बेस्ट. बट इट्स इन द फेस. बट राइट नाउ आई एम इन द मैनेजर, लाइक यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है ऑप्टस, हाँ, ऑप्टस तो पता है. द मोबाइल कंपनी. सो उनका टेक और मैनेजमेंट अभी कर रहा हूँ एज अ फुल टाइम. अच्छा, ऑसम ऑसम, सो बढ़िया. देर इज बीइंग वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर मी. और अभी अभी मेरा कर्टिन से भी बात हो रहा है टू बिकम अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर. सो दे हायर्ड मी एज अ इन्फ्लुएंसर फॉर द माई कोर्स. सो आई जस्ट कंप्लीटेड माई शूट विद द कर्टिन. अमेजिंग. सो तो अभी ये अच्छा, भी एक साइड में चल रहा है और नाउ आई एम रिज्यूमिंग. ओके. सो अच्छा, अगर कर्टिन यूनिवर्सिटी का रिव्यू करना हो तो मतलब ऑनेस्टली अगर बताना हो, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू, ऐसा नहीं है थोड़ा पेड वाला नहीं. अगर ऑनेस्टली नहीं, बताए तो दे आर नॉट कैसा? पेइंग मी इवन. अच्छा, तो कैसा रहेगा, मतलब कर्टन व्हाट इज डू यू रियली सजेस्ट? नाइस. या आई फर्मली सजेस्ट इफ यू आर कमिंग इन द आर्किटेक्ट माइनिंग स्पेशली, बिकॉज माइनिंग में कर्टन इज वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड, नॉट इवन इन द ऑस्ट्रेलिया और नॉट इवन इन द एनीवेयर, इट्स बेस्ट इन वर्ल्ड. सो बिकॉज ऑफ यू नो दैट कि पर्थ में माइनिंग सेक्टर इज अज, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाउ हाउ मच बिग पैकेज यू विल गेट. सो माइनिंग इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, आईटी, बिजनेस एंड मार्केटिंग, माइनिंग दे इज आर द बिग इन बेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया. कर्टिन. बिकॉज कर्टिन एग्जैक्टली इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज. एंड पर्थ अभी भी इट्स अ डेवलपिंग फेज. सो इसीलिए मैंने रीजनली ही चूज किया कि देर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज इन दी इन टर्म्स ऑफ पीआर एज वेल. एंड बहुत अच्छी कर्टिन, क्योंकि पर्थ में दो यूनिवर्सिटीज आर ऑन द टॉप इन द होल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉट इवन इन पर्थ. द फर्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच इज इन ग्रुप 8, एंड द सेकेंड इज द कर्टिन. बट कर्टिन इज इन सम ऑफ द एरियाज दे हैव रियली ग्रेट ग्रेट एक्सपोजर एंड ग्रेट फैकल्टीज, बिकॉज कर्टिन बहुत पुरानी भी है और आई हाईली रिकमेंड दैट. हाँ, यूनिवर्सिटी है सो देर शुड बी सम प्रेशर ऑन द स्टडीज, बट यस आफ्टर ऑल इट वर्थ इट. ओके. तो अच्छा, तो ये तो यूनिवर्सिटी हो गई, एंड देन ओके, इनिशियल इम्प्रेशंस कैसे थे? एंड देन इफ यू वर इन यूएस और वहाँ कनाडा में, उधर से व्हाई डिड यू डिसाइड कि भाई ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहिए? एंड देन यहाँ पर आने के बाद कैसे फर्स्ट चैलेंजेस इम्प्रेशंस कैसे रहे ऑस्ट्रेलिया के? सो मैं अपनी स्टोरी वही कंटिन्यू करता हूँ. यही आंसर है कि मैंने स्टार्ट यूएस से किया था, इसलिए आई वेंट फॉर जीआरई. आई क्लियर जीआरई एज वेल, क्योंकि यूएस को जाने टेक फील्ड को जीआरई देनी पड़ती थी. सो बट आफ्टर ऑल आफ्टर द लॉकडाउन आई मतलब मेरा हुआ नहीं. फिर कनाडा आके जो लॉकडाउन फेज हमने देखा इंडिया में, देन आफ्टर अ ईयर ऑस्ट्रेलिया ओपन देयर बॉर्डर्स. सो जब भी मैं यहाँ पे आया, आई आई लैंडेड इन ब्रिस्बेन, बिकॉज पर्थ की बॉर्डर स्टिल
क्लोज थी, और मेरे एक फ्रेंड है वहां पे जो उन दीप करके है, सो ही ऑफर्ड मी अ प्लेस, अच्छा, यू तो नो दीप, उन्होंने काफी हेल्प की मेरी वहां पे. यस आई एम फ्रेंड ऑफ दीप, एंड यस सो ओ ही अच्छा, लिटरली हेल्प मी अ लॉट ऑन ही दैट इज माय टाइम. फ्रेंड टू, डू यू नो दैट? सो या ही टोल्ड अबाउट यू. यस यस ओके ही टोल्ड अबाउट यू, एंड सो इफ ही इज वॉचिंग थैंक यू सो मच, या वी वर इन क्योंकि सेम उन्होंने यूनिवर्सिटी. बहुत हेल्प की थी. एग्जैक्टली या ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी अबाउट यू. सो एग्जैक्टली सो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फाइनली वो ड्रीम ही था कि यहाँ पे आके स्टडी करो, सबसे पहले आओ. एक वो मिक्स फीलिंग्स थी कि यू आर आप इंडिया को छोड़ के आ रहे हो, बट एक खुशी भी थी कि नहीं फाइनली योर ड्रीम इज हियर. सो इट्स रियली इट्स ग्रेट फीलिंग्स. पर आके ही पता था कि ओके लेट्स स्टार्ट, अभी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्ट्रगल. सो होम सिकनेस मेरे को पता थी बिकॉज ऑफ कैनेडा क्या होती है. सो जस्ट बिकॉज मैं जब आया तो 15 days होटल क्वारंटीन था ब्रिस्बेन में. सो वहां पे एक होटल है, तो आई मतलब मैं बाहर भी नहीं निकाल सकता था अपना पाँव, उतना स्ट्रिक्ट होटल क्वारंटीन था 14 days का, विच इज ऑल्सो शॉकिंग वेन यू कम, बिकॉज मैं क्रिसमस के दिन पे ही ऑस्ट्रेलिया आया था. 25 मेरा आज 1 साल से ऊपर हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पे. अच्छा, सो तो सो आते ही मेरा स्वागत पुलिस ने विथ क्वारंटीन किया था. पुलिस ने स्वागत किया आपका आते ही. सो या इट वॉज हाँ बट दे आर वेरी नाइस कि लाइक ओके सो यू शुड गो विद द होटल क्वारंटीन. और मेरी मेरे लिए ये प्रोसेस नया था, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप पहले ही आके बॉर्डर फोर्स से मिलते हो, एंड दे क्योंकि मैं एक और दो ही पैसेंजर थे कि जो, और उनके लिए पूरी बस थी दो पैसेंजर के लिए, अच्छा, एंड दे रियली एस्कॉर्टेड यू, एंड मतलब पूरा ऐसा ही फीलिंग आ रहा था कि क्या हो रहा है. बट जब भी मैं बाहर निकला इट वॉज लिटरली अ नाइस, बिकॉज कल्चर अलग है, लोग अलग है. तो तो फिर आई कल्चर में स्टार्टेड माई ऐसा ऐसे जर्नी क्या एंड चीजें दिखी है आफ्टर फर्स्ट 6 months. फर्स्ट कल्चर में ऐसा ऐसा क्या शॉक लगा कि भाई ऐसी क्या चीजें हैं जो अलग हैं, और मतलब उसके साथ हाउ डिड यू डील विद दोस थिंग्स? ऑस्ट्रेलिया का कल्चर बहुत यूनिक है, बिकॉज यहाँ पे यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अलग है इन कंपेयर टू द कंट्री वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. यू कैन रिलेट कि पे स्केल्स हाई है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हाई है, और लोगों की लाइफस्टाइल जो सेलिब्रेट वो लाइफ को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी है, विच इज नॉट इवन इंक्लाइंड टू इंडिया, बिकॉज कल्चर अलग है. दैट बोथ कल्चर हैज देयर ओन यूनिक पार्ट्स, आई एम टोटली रिस्पेक्ट दैट. बट यहाँ पे आके ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, यू अर्न बाय योरसेल्फ, बिकॉज सब कुछ आपको अपने आप से ही करना था, बिल्कुल. क्योंकि घर पे तो सब तैयार हो के आपको मिल जाता है. तो देर शुड बी सम डिफिकल्टीज, बट आपको मजा भी आ रहा है बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट नाउ, यू आर मैनेजिंग थिंग्स बाय योर ओन, सो उसका भी एक अलग मजा है. तो यहाँ का कल्चर यही है कि मंडे टू फ्राइडे हो सके उतना कमाओ, क्योंकि एट दैट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आया था द रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर फॉर स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट कैन ऑल्सो वर्क इन अनलिमिटेड आवर्स. हाँ, अभी भी अनलिमिटेड है सो एंटिल वो हमारे लिए नेक्स्ट ईयर खुली छूट जून. थी, तो नहीं, अभी भी है दिस ईयर टिल जन. जून तक का है. एग्जैक्टली सो अभी जून तक, सो अभी जून तक तो फिर भी हम अर्न कर सकते हैं ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो इसीलिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगी कि लेट्स वर्क. एंड जब भी यहाँ का एक ही मोटिवेशन है, पूरी चीज आपको डिप्रेस करेगी सब, बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम योर कंट्री. बिकॉज मैं एक ज्वाइंट फैमिली से आता हूँ ना, मतलब 7-8 लोग एक साथ घर में रहने की आदत है. सो पर यहाँ का जब पे आता है दैट इज योर मोटिवेशन, दैट्स द रियलिटी. या वो पे चला भी जाएगा, मोटिवेशन खत्म, फिर से कमाओ. हाँ, ये दीप यूज टू से दैट टू मी कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, एंड देन वो भाई साहब बोलते थे कि भाई मैं बोला कि आज मन नहीं है यार काम करने का, यार दिल नहीं कर रहा. वो बोलता, ये करने आए हो तुम ऑस्ट्रेलिया में? कमाने आए हो ऑस्ट्रेलिया में? कमाओ. एंड ही एग्जैक्टली ही दैट मोटिवेटेड एक्टेड मी अ एज अ बिग लॉट, क्योंकि मोटिवेशन वो फॉर जो मी. जो वो जो
एग्जैक्टली सेम थिंग, क्योंकि उसको देख के वो नेचुरली ऐसी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों काम हाँ इतना नहीं कर रहे, क्योंकि ही यूज्ड टू डू 2 to 3 jobs एट दैट टाइम एंड आई सेड हाउ हाउ कैन यू मैनेज दैट, वो मतलब डेडिकेशन ही होना चाहिए ना। सुबह 4 बजे उठ के वो क्लीन था, बहुत डेडिकेशन बहुत, क्योंकि इंडिया में नहीं होता है ना, हमने झाड़ू भी मतलब हाथ में नहीं लिया होगा आई थिंक, हाँ लेकिन अगर इंडिया में भी इतने मतलब डॉलर कोई देता जो जो फैमिली के साथ अगर और कोई बोलता कि भाई इतने एग्जैक्टली डॉलर हम तेरे को दे रहे हैं नहीं काम करे, वो तो इंडिया में भी कर लेते फिर एग्जैक्टली इंडिया में तो मतलब इतने, इंडिया से यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस यही है कि सभी प्रोफेशन को एक इक्वालिटी के साथ देखा जाता है, तो अभी यूथ इंडिया में भी बहुत ग्रो कर रहा है, क्योंकि यार मतलब मैं जो 2020 में वहां पे था, सो अभी यूथ को भी एक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, जैसा पहले जैसा वो स्टीरियोटाइप नहीं है, इंडिया इज चेंजिंग राइट नाउ, क्योंकि अब दे आर गेटिंग ऑल्सो, अभी यूथ को पता है कि नहीं हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक बात वो भी अच्छी लगती है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर वेयरिंग, दैट डजेंट मैटर विद द पीपल, आई थिंक इसके तो साथ ये एक कुछ बड़ा अच्छा पॉइंट है। रेस्पेक्ट ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ अगर उसकी पेमेंट भी मैच हो, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक क्लीनर हाँ हो तो यू कैन यू यू आर स्टिल मेकिंग ऑलमोस्ट द सेम मनी एज एग्जैक्टली समबडी हु इज वर्किंग एज एन एडमिन इन एन ऑफिस, राइट। तो उसमें और आप में उतना फर्क नहीं है, मतलब एग्जैक्टली हाँ आप थोड़ा ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग काम कर रहे हो, बट इफ़ यू आर अ ट्रेडी, ट्रेडी वो ऑफिस वाले जॉब से ज़्यादा कमा रहा है ट्रेडी, राइट। वो प्लम्बर आता है घर पे, हमारे घर पे वो नल का वो हुआ था, टैप डैमेज हो गया था, तो ही केम 5 मिनट में वो $200 लेके चला गया। तो उनको वैसी हाँ, रेस्पेक्ट मतलब भी, रेस्पेक्ट इवन ट्रेडी मिलेगी, इवन ट्रक पैसे भी ड्राइविंग कमाते हैं ना वो लोग वैसे ही, तो रेस्पेक्ट तो मिलेगी, उनके पास हमारे से ज्यादा पैसा बहुत है बहुत ट्रेडीज के पास, लाइक एग्जैक्टली दे आर और मेकिंग गुड वो मनी। मतलब उनको देखने से लगता नहीं है, हाँ उनको देखने से लगता भी नहीं है, पर ही इज मेकिंग लाइक लिटरली गुड मनी, गुड मनी, मैं सिक्योरिटी में पर काम यहाँ करता पे वो था, मिनिमम वेज का है ना कॉन्सेप्ट इसलिए। हाँ, हाँ मिनिमम वेज का। मैं सिक्योरिटी में काम करता था जब व्हेन आई वाज इन यूनी, तो उसमें मैं मेरी एक जॉब लगी थी, मतलब वो जब सिक्योरिटी होती थी तो फिर हम वो लोग जगह जगह भेजते थे, मतलब हमारी कंपनी के क्लाइंट्स होते थे, तो हाँ वो लोग ट्रू मेरे को डेली ऐसा, मतलब वो मैसेज पे आया यस था एप्लीकेशन में कि भाई आज तुम्हारी, मतलब ऐसा इतना जल्दी नहीं, बट कभी इमरजेंसी में ऑन कॉल भी होता था कि वो लोग बोले कि भाई ये क्लाइंट के पास चले जाओ। तो मेरी मेरा एक क्लाइंट था यस जो कि एक ट्रक की फैसिलिटी थी, मतलब ट्रक्स वहाँ पर ब्रांड न्यू ट्रक्स बिकते भी थे और देन फिर वर्कशॉप भी था, तो इट वाज अ बिग, आई थिंक इट वाज अ हाँ वॉल्वो ट्रक्स का वो बड़ा ऑफिस था, ब्रिस्बेन में है, तो वहाँ यस पर मैं काम कर रहा था, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी। तो मैं देखता था कि भाई क्या होता है कि एक बंदा आ रहा है स्पोर्ट्स कार में, ठीक है, मर्सिडीज या जो भी वो अच्छी, मतलब लग्जरी कार या जो भी बोलो, महंगी गाड़ी, उसमें आता है एंड देन वो गाड़ी वो पार्क करता है, फिर अंदर शोरूम में आता है, फिर ट्रक उधर से ले, ट्रक चला के फिर जा रहा है, मतलब फिर वो उसकी वाइफ आती है और वाइफ आके फिर उसको उसकी गाड़ी पिकअप करके ले, मतलब दैट मीन्स कि वो ट्रक ड्राइवर है लेकिन ही इज मेकिंग सो मच मनी कि वो एक अपने लिए लग्जरी गाड़ी अलग से रख रहा है और देन ट्रक भी ही इज ओनिंग, वो ट्रक को 5-5 लाख, कितना है वो, 1-1 मिलियन तक जाते हैं ट्रक्स, इफ यू वांट टू बाय अ ट्रक। ट्रक ड्राइविंग का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, मतलब लिटरली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज मेरा अभी एक फ्रेंड है जो वो क्लोज फ्रेंड सर्कल में है, ही इज यूजिंग मतलब 3 साल से ट्रक ड्राइविंग कर रहा है, ही जस्ट बॉट अ मस्टैंग, देखो मतलब एंड ही जस्ट बॉट हिज ओन हाउस, सो इतना मतलब वो उनका डेडिकेशन है, ही कैन डू सो मेनी, मतलब पर्थ से बाय रोड बहुत दूर तक वो जाते हैं, एंड देयर पे आर सच अ ट्रेमेंडस पेस, अच्छा, मेरा मतलब वहाँ बहुत पर मैं ज्यादा जब पे होता काम है कर रहा उनका। था, एक दो लोग आए थे सीधा एयरपोर्ट से, हाँ तो वो लोग ट्रक ट्रक लेके आए थे, ठीक है, तो उनका क्या एग्जैक्टली था कि यहाँ पर वॉल्वो के ब्रांचेस हैं, जैसा ब्रिस्बेन में एक है, पर्थ में एक है, तो हाँ पर्थ में जो वो उनकी फैक्ट्री है आई थिंक, हाँ तो वहाँ पर ट्रक्स के जो पार्ट्स आते हैं उधर असेंबल होती हैं ट्रक,
और वो लोग इंस्टेड ऑफ कि वो ऑब्वियसली एयरलिफ्ट करना उसके लिए बहुत महंगा है, ट्रक के पार्ट्स आप बड़े बड़े एयरलिफ्ट करके लेके आना. तो ये एक जो बंदे थे ये कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ये लोग क्या करते थे कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो ये लोग जाते हैं पर्थ में, पर्थ से ब्रांड न्यू गाड़ी, ब्रांड न्यू ट्रक चला के उनको, फिजिकली चला के उनको यहाँ ब्रिस्बेन पे लाके इधर के शोरूम पे ड्रॉप करते थे वो. तो वो ड्रॉप करके फिर उसके बाद फ्लाइट लिया, फिर चले गए, फिर नेक्स्ट वीक एक और ट्रक लेके आए ड्राइव करके. तो उनसे मेरी बात हुई थी क्योंकि सिक्योरिटी में खाली खाली खड़े रहना जो भी आता है उससे हाय हेलो बातें चालू हो जाती है. तो वो मेरे को बता रहा था कि उनका कुछ हाँ चालू होता है डॉलर के ऊपर, वो 1 किलोमीटर के ऊपर इतने डॉलर्स हैं. तो उसने मेरे को बताया कि 2 दिन में उसके $4,000 कुछ ऐसा चार्ज होते हैं चला के लाने के, एंड देन दे गेट पेड फ्लाइट एंड पेड पूरा उनका अकोमोडेशन वगैरह सब उसमें होता है. तो इट इज व्हाट इट इज, ऐसे बहुत चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में. इट्स अमेजिंग. हाँ बिल्कुल. और फॉर द न्यू ऑडियंस, जो आपकी भी न्यू ऑडियंस यहाँ पे आना चाहती है, मैंने पर्सनली अभी एक, मैं ऑप्टस में खुद हायर भी करता हूँ लोगों को, तो दो चीजें मैंने सीखी है. देर आर सम बिजनेस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाई ट्रक ड्राइविंग, पर मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है देन योर फिजिकल वर्क थोड़ा कम है यहाँ पे, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है देन योर फिजिकल वर्क इज मोर. तो बेस्ट टिप इज कि इतना इंग्लिश तो सीख के आओ जिससे एक इंटरव्यू क्लियर कर सको और बेसिक कन्वर्सेशन आप कर सको. इट विल बी मच मोर इजियर टू स्टार्ट एटलीस्ट, बिल्कुल, इंग्लिश इज वेरी बिकॉज इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साल में, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो इंडिया में जुगाड़ करके आने वाली बात है वो यहाँ आने तक अच्छी है, फिर इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट. सो हाँ एक दैट्स द बार मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि थोड़ी इंग्लिश आती होगी तो इट्स विल बी इजी. आई थिंक जो लोग बिना इंग्लिश के आते हैं, जैसा अगर किसी की मतलब वाइफ के साथ आए आप, वाइफ के वाइफ ने इंग्लिश करी, आइल्ट्स किया उसने, किया मतलब जो भी स्टडीज, तो ये भाई साहब ऐसे ही आ गए, मतलब ही डजन हैव एनी क्वालिफिकेशन. तो वैसे लोग उनके लिए ट्रक ड्राइविंग और ये दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी फिर भी है, विच इज़ ग्रेट. तो उनको इंग्लिश स्टॉप नहीं कर रही है काम करने से, दे कैन स्टिल कीप वर्किंग, दे कैन मेक मनी, दे कैन कंटिन्यू देयर लाइफ. लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, क्योंकि फुल टाइम जॉब्स के लिए इंग्लिश इज चाहिए चाहिए भाई, कहीं भी जाओ बात करना पड़ेगा. मस्ट और इंग्लिश से हट के आई थिंक एक तो बुक वाली इंग्लिश हो एग्जैक्टली. गई कि यू नो हाउ टू राइट, हाउ टू हाँ डू दैट, बट एक कॉन्वर्जेशनल जो कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस वो डेवलपमेंट होता है पर्सनैलिटी का, एक अपने आप को प्रेजेंट करके बात करना या कॉन्फिडेंस से डील करना चीज़ों से, आई थिंक वो भी एक स्किल है जो लर्न करना चाहिए, और वो तभी लर्न होता है जितना आपको एक्सपोजर यस मिले वो चीज़ का, राइट? एग्जैक्टली आई एग्री. और डोंट वरी अबाउट द ग्रामर, जस्ट कन्वे योर मैसेज इन एनी वे. मतलब इंग्लिश इज नॉट अबाउट द ग्रामर. जो लोग सीख, मतलब मैं इंडिया में जो एक साल फंसा हुआ था, आई वॉज द आईएलएस एनपीटी ट्रेनर, सो आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने एबीसीडी से स्टार्ट करके आईएलएस में 6 पॉइंट्स दिलवाए. तो मतलब लोग इंडिया में और कहीं पे भी इंग्लिश सीखने जाते हैं तो ग्रामर इज नेसेसरी, बट इन सम पॉइंट अगर आप पूरा लिटरेचर पढ़ने जाओगे जिंदगी भर खत्म नहीं होगा वो. सो इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ टू कम्युनिकेट दैट स्किल यू आर टॉकिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. 100%. आई थिंक आइल्ट्स इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंग्लिश स्किल. ये चीजें हैं ठीक है, मानता हूँ कि यू नीड टू नो एग्जैक्टली इफ यू नो लिटिल बिट. जैसा पीटी में तो इतनी सारी ट्रिक्स हैं भाई, वन लाइनर वो कर दो, आप रीडिंग में आपके अरे मार्क्स आ जाएं, स्पीकिंग में हाँ आपके टेम्पलेट्स बने हुए हैं, यू जस्ट हैव टू पुट द थिंग्स एंड देन आपका स्कोर आ गया. अगर आप ऐसे प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं देन यू ऑब्वियसली यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आपने बस वो टेम्पलेट्स वो कॉपी कर लिया आपने, यू आर जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू एक्सेल इन द एग्जाम डज नॉट रियली मीन कि आपको बात करने नहीं आती. और अगर आपको बात करने आती है दैट डज नॉट मीन कि आप एग्जाम में अच्छा कर लोगे. जैसे कितने फॉर अगर एग्जाम ऑस्ट्रेलियंस को क्लियर. एग्जाम में बिठा दो वीटी में, वो लोग नहीं कर पाए. नॉट एवरीवन नहीं, कैन डू पीटी इट. इज ऑल अबाउट टू फूल द कंप्यूटर, आई ऑलवेज हाँ टेल. उसके वो ट्रिक्स है, उसके टेम्पलेट्स, उसका जो तो तरीका है उसको फॉलो करके हाँ आप स्कोर ले सकते हो.
मेरे पास तो अभी मैंने ट्रायल किया एक नया एक्सपेरिमेंट विद पीटी, क्योंकि मैं ये करता हूँ पीटी ऑनलाइन सेशंस भी। तो इवन इफ नॉट यू आर फॉलोइंग टेम्पलेट, मैंने खुद से पीटी 3-4 बार दी है एंड आई स्कोर 90 of 90 ईच टाइम, मतलब फुल स्कोर अच्छा, फॉर चार चार के इवन चार नॉट में फॉलोइंग 90। टेम्पलेट 90। ऑसम। दैट्स इनसेन, बट आई नो एंड नॉट इवन लाइक आई कैन गारंटी एनीवन कि जो वो ट्रिक फॉलो करेगा इट विल गिव अस 90, ऑलमोस्ट 90, क्योंकि पीटी इज ऑल अबाउट फूलिंग द कंप्यूटर। आई ऑलवेज टेल टू पीपल, उसके लिए आपको कंप्यूटर को ही फूल बनाना है। सो उसका एक एल्गोरिदम आपको पता चलेगा हाउ दे वर्क, वो सीरी के जैसा है, मतलब आप सीरी को कितना क्लियर बोलते हो, इट्स नॉट अबाउट योर फ्लो, इट्स अबाउट हाउ यू क्रैक इट। तो दैट्स उसमें इट कि पीटी ट्रिक्स आपने बोला प्रैक्टिस है, और इट्स दोनों नॉट द चलेंगे। पैरामीटर ऑफ इंग्लिश। सो हाँ, हाँ एग्जैक्टली, बट तो यही है यहाँ जनरली पे कि जब लोग हाँ अपनी टेंशन से। तो हाँ, पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए। आई थिंक इन जनरल अगर आप बोलें, अगर आपका स्कोर 6.57 के करीब आ रहा है, देन यहाँ आने के बाद एक्सपोज योर सेल्फ कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से आप डील करें, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडियन दोस्ती बना लिए और उन्हीं के साथ घूम रहे हो। थोड़ा अपने आप को नेटवर्किंग इज नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट। करो थोड़ा, तो फिर स्लोली स्लोली कंफर्टेबल हो जाता है बंदा, फिर फैल जाता है एकदम। हाँ, और यहाँ एक जॉब में भी सेटिस्फेक्शन लेना इज नॉट द थिंग, आपको कंटिन्यूअसली चेंज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यू आर हैविंग वन जॉब एंड यू आर सेटिस्फाइड विथ इट, ऑलवेज हैव अ बैकअप, डू 2 to 3 jobs। मुझे पता है वो पेनफुल होगा, हमने भी फ्यूल स्टेशन में नाइट शिफ्ट लगाई हुई है, सो इट्स ओके। मतलब एग्जस्ट हो जाता है बॉडी आफ्टर 20-21 days, पर ऑलवेज हैव अ बैकअप, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम लगता है। तो यही है कि जस्ट मोर द बेटर। कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग योर जॉब इज वेल, जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अगर कोई फाइनल मैसेज एक नए बंदे के लिए, कुछ थैंक यू। फाइनल अगर आप बोलना चाहते हो कि भाई, अभी वो बंदा अगर सपोज ओवरसीज है एंड देन नाउ ही वॉन्ट्स टू परस्यू अ लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए व्हाट्स योर मैसेज? इट्स जस्ट वन मैसेज कि रिसर्च वेल, आपको जहां पे भी आना है, जो भी कोर्स लेना है आपकी पसंद का लो, रिसर्च करो अच्छे से, नेटवर्किंग करो यहाँ पे आने के पहले, एंड जस्ट मेहनत करो और आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे सब मेहनत कर रहे हैं। सो वर्क हार्ड, और रियलिटी ज्यादा किसी से बात करो जो ऑलरेडी यहाँ पे है, दैट इज द पर्सन हु कैन गिव यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, नॉट योर रिलेटिव्स। सो दैट्स व्हाट माय थिंग इज, एंड जस्ट फॉलो योर पैशन एंड जस्ट कम, एंड दैट्स द ओनली एडवाइस। ऑसम। ऑलराइट, चलो, आपका मैं इंस्टाग्राम, अगर इफ यू अलाउ, इंस्टाग्राम का मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा। देन इफ समबडी वांट्स टू गेट इन टच, इफ दे वांट टू फॉलो यू फॉर योर विजडम एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दे कैन गेट इन टच। और आपके पॉडकास्ट सीरीज भी है, तो फिर वो भी अपन चेकआउट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग थैंक यू। दैवत। टिल देन खत्म करते हैं, सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अभी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और यू मोस्ट वेलकम। अपन वी विल स्टे इन टच। सब्सक्राइब टू टेला बैग एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू फॉरगेट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।